तो वीडियो की शुरुआत करते हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच से। तो आप सब जानते हैं आज मंडे नाइट रॉ पर हमें बैटल रॉयल देखने को मिला, जहां पर रिडल ने मैच को जीत लिया और अब उन्होंने अपना स्पॉट पक्का कर लिया है मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। लेकिन यहां पर स्टील एक स्पॉट लेफ्ट है, और क्योंकि मंडे नाइट रॉ पर केविन ओवेंस एंड इजिकल के बीच सिंगल्स मैच होने वाला था, और जो भी सुपरस्टार उस मैच को जीतता वो इस मैच का पार्ट बन जाता है। लेकिन WWE वो मैच आज मंडे नाइट रॉ पर करवा नहीं पाई, और ये भी बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस शो पर भी नहीं थे, इस वजह से ये मैच नहीं हो पाया। और अगर WWE चाहती है तो शायद स्मैकडाउन पर इस मैच को करवा सकती है, या फिर हमें इन दोनों में से किसी एक सुपरस्टार की एंट्री मनी इन द बैंक लैडर मैच में देखने को मिल सकती है, या फिर कोई शॉकिंग सरप्राइज एंट्री हो सकती है मनी इन द बैंक लैडर मैच में। और कल मैंने आपको बताया था कि जॉन सीना पॉसिबली हो सकता है मनी इन द बैंक लैडर मैच का पार्ट बन जाए, तो यहाँ पर WWE अगर कोई सरप्राइज एंट्री करवाना चाहती है तो मेरे हिसाब से जॉन सीना वो परफेक्ट सुपरस्टार रहेंगे जो कि इस मैच में ऐड हो सकते हैं। लेकिन WWE की सुपरस्टार की एंट्री करवाएगी वो तो हमें शायद अब मनी इन द बैंक में ही पता चलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है AEW के सुपरस्टार से। तो आप सब जानते हैं आज मंडे नाइट रॉ के पूरे एपिसोड के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सुपरस्टार्स के वीडियो पैकेज देखने को मिले, लाइक अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन, और यहाँ पर AEW के सुपरस्टार भी थे लाइक क्रिस जेरिको, बिग शो एंड ब्रायन डेनिलसन। और इनके जब वीडियो पैकेज स्क्रीन पर आए तो काफ़ी लोग शॉक हो गए कि आखिर AEW के सुपरस्टार किस तरीके से हमें WWE स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। जॉन ने बताया कि WWE ने टोनी खान को अप्रोच किया था कि उन्हें कुछ वीडियो पैकेजेस चाहिए, वो टोनी खान की परमिशन लेना चाहते थे और टोनी खान ने उन्हें परमिशन दे दी। इसी वजह से हमें फॉर्मर WWE सुपरस्टार या फिर करंट AEW सुपरस्टार के वीडियो पैकेज देखने को मिले, जहां वो जॉन सीना को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि टोनी खान ने AEW सुपरस्टार्स को परमिशन दी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जॉन सीना कितने बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी स्पेशल एनिवर्सरी के लिए कुछ स्पेशल तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर AEW की भी तारीफ होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है रे एंड डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो आज मंडे नाइट रॉ के दौरान हमें बैकस्टेज फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट देखने को मिले, जो कि ट्राई कर रहे थे रे एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को अपनी फैक्शन में लाने के लिए। लेकिन इन दी एंड वो डोमिनिक मिस्टीरियो को ऑफर देते हैं कि तुम हमारी फैक्शन को ज्वाइन कर लो, लेकिन रे मिस्टीरियो बीच में आकर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर डोमिनिक मिस्टीरियो ने होल्ड बैक कर लेते हैं। और इनका मैच भी कंफर्म हो चुका है नेक्स्ट वीक के लिए, जहां पर हमें टैग टीम मैच देखने को मिलेगा इन दोनों टीम्स के बीच। और बताया जा रहा है कि पॉसिबली डोमिनिक मिस्टीरियो अपना हील टर्न कर सकते हैं और वो फिन बैलर की फैक्शन यानी कि जजमेंट डे को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि WWE के काफ़ी बड़े प्लान्स हैं जजमेंट डे को लेकर। और बताया ये जा रहा है कि WWE मल्टीपल सुपरस्टार्स को इस फैक्शन में ऐड करना चाहती है, तो हो सकता है आपको बहुत जल्द डोमिनिक मिस्टीरियो भी इस फैक्शन का पार्ट बनते हुए नजर आ जाए। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस से। तो मंडे नाइट रॉ के दौरान बैकस्टेज में जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर सेथ रॉलिंस जॉन सीना को मॉक करते हुए कहते कि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारी नाक तोड़ी थी, उसके बाद समर स्लैम में भी तुम्हें हराया था, और इस साल एक बार फिर से मैं मनी इन द बैंक लैडर मैच जीतूंगा और सक्सेसफुली कैश इन करूंगा जैसे मैंने पहले किया था, तुम्हारे जैसा नहीं जैसे तुम्हारा कैश इन फेल हो गया था। तो यहाँ पर जॉन सीना को मॉक कर रहे थे, तभी ओमोस वगैरह आते हैं और ये सेगमेंट एंड होता है। और देखकर काफ़ी फैंस को ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस की राइवलरी भी शायद आपको समर स्लैम में देखने को मिल सकती है, अगर WWE थ्यूरी एंड जॉन सीना का मैच ना करवाए। और मैं भी चाहूंगा कि भाई जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस की राइवलरी हमें देखने को मिले समर स्लैम के लिए, क्योंकि थ्यूरी एंड जॉन सीना का मैच WWE बाद में भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसे देखकर ही लग रहा है कि WWE थ्यूरी एंड जॉन सीना के मैच की डायरेक्शन की तरफ जा सकती है, लेकिन अगर आगे चलकर कोई ट्विस्ट आता है तो डेफिनेटली फैंस इस राइवलरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और गैस बस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक की बिना तो कहीं मिल जाना, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।